जय धर्म। मैं चित्रंजन राव बोल रहा हूँ। मैं आज ऐसे विषयों में बात करने जा रहा हूँ, वो विषय है समाज क्या है, समझे और समझाएं। आज हमें बहुत ही जरूरी है समाज के बारे में जानने का। हमको समाज के बारे में जानना है कि हमारे समाज क्या है, समाज होता क्या है, समाज प्राणी होने के नाते हमारा क्या जिम्मेवारी होती है, और समाज का जो संपत्ति है समाज का दो देख रखाव और रख रखाव जो होता है, और समाज के प्रति हमारा किस प्रकार के हमारे अंदर से इंटरेस्ट है, किस प्रकार का हमारे समाज के प्रति हम जानते हैं, कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। हमको समाज के प्रति आज झुकाव और लगाव होना चाहिए और खुद को जानना चाहिए कि समाज है क्या चीज़। समाज के बारे में आज बहुत ही कम हम लोग आपस में चर्चाएं करते हैं, बातें करते हैं, विचार करते हैं, और हम खुद भी इस समाज के प्रति, अपने समाज के प्रति हम ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं कि हम एक सामाजिक प्राणी है। प्रत्येक व्यक्ति एक समाज है, प्रत्येक व्यक्ति एक समाज है, एक रीति रिवाज है। अपने आप को छोटा महसूस ना करें, क्योंकि समाज से ही हम एक अंग है और समाज का ही एक अंग है, और समाज का अंग होने की वजह से हम लोग को जानना है समाज की जितने भी हमारे रीति रिवाज है, समाज की जो बातें हैं उन चीज़ के बारे में हमको चर्चा करते रहना चाहिए, समाज के बारे में बताते रहना चाहिए। हम खुद भी अपने बारे में जानना चाहिए, हम मैं कौन हूँ और हमारे समाज के प्रति हमारा क्या, हमको जानकारी हासिल करना चाहिए, क्या हमको बातों को याद रखना चाहिए। और समाज का रीति रिवाज है, समाज की जो हमारे जो संपत्ति है, धन है, दौलत है, तमाम तरीके को जानते हुए हम अपने जानकारी को बढ़ाते हुए और जानकारी जो है उसको समाज के बीच में लाएँ, समाज के लोगों को बताएँ, अपने बच्चों को बताएँ, अपने जो बुजुर्ग को बताएँ, अपने बहुत सारे शहर की तरफ चले गए, उनको पता नहीं समाज क्या होते हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, एजुकेटेड हो रहे हैं, लेकिन समाज के बारे में आज जानकारी नहीं होने की वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आपस में मिल नहीं रहे हैं, आपस में बैठ नहीं रहे हैं, आपस में एकत्रित एक जगह एक संगठित होकर रह नहीं पा रहे हैं। और जिस दिन हम खुद अपने समाज के बारे में चर्चाएं करना शुरू कर दें, जिस दिन अपने समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से हम काम करना शुरू कर दें और निस्वार्थ भाव से हम आगे आना शुरू कर दें, उसी दिन से हम समाज की जो धन है, संपत्ति है, पैसा है या चंदा वगैरह जो भी हो रहा है उसके बारे में हम लोग सही उपयोग करके हम जान जाएंगे कि हमको समाज का जो पैसा है, धन है, उसको समाज की उन्नति और प्रगति और समाज की हिफाजत के लिए ही हमको खर्च करना चाहिए, समाज के लिए ही लगाना चाहिए। तो खुद हमको समाज के बारे में जानना चाहिए और जाने हुई चीज़ को समाज के बीच में चर्चाएं करना चाहिए। ये प्रत्येक गांव में कम से कम सभी लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि आज हमें समाज के बारे में हमको बताते रहना चाहिए, चर्चाएँ करते रहना चाहिए और घूम घूम को कम से कम। मैं तो YouTube के द्वारा बहुत लोगों को समाज के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन आपका भी जिम्मेवारी बनती है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप भी समाज के लोगों को कम से कम डेली 5 या 10 व्यक्तियों को बताने की कोशिश करें कि हमारे समाज किस तरह से ऊपर उठ सकता है, किस तरह से आगे बढ़ सकता है और किस प्रकार से हम लोग ग्रो हो सकते हैं, समाज में हम किस प्रकार के संगठित हो सकते हैं, हमारे बच्चे किस तरह से आगे और अच्छा हो सकते हैं, समाज के बीच में जो भी कमी बेसी है उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, हमारे माताएं और हमारे बच्चे और हमारे पुरुष, हमारे लड़का लड़की सारे लोग मिलके एक समाज का सुंदर निर्माण करने के लिए समाज क्या है इसको जानने की जरूरत है। खुद जानें और दूसरों को भी इनको समझाएं, और समझाते हुए ये हम चाहेंगे कि आप एक अच्छा और पुण्य काम की ओर ले चले, क्योंकि जीवन जो मिला है ये जीवन अच्छे कामों के लिए मिला है। जब तक आपका जीवन है अच्छे काम में लगे रहें, जितना हो सके अच्छा काम करते रहें, चर्चा करते रहने से या बातें करते रहने से हमारे समाज आगे नहीं बढ़ेगा, इसीलिए हमारे और आपके कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग देखो कहते रहे, विचार तो कर रहे हैं, लेकिन कभी शरणा में नहीं आते हैं, कभी धर्मेश के स्थान पर नहीं आते हैं, केवल चर्चा लेते हैं, वो अपने स्वार्थ भाव की वजह से, स्वार्थी भाव से
केवल चर्चा करते रहते हैं, बातें करते हैं, सुंदर सुंदर बातें करते हैं, सुंदर सुंदर आइडिया देते हैं, लेकिन वो खुद भी कभी आते नहीं। देखो बहुत सारे ऐसे आदमी है, कहने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन सा आदमी है, तो जो नहीं आते हैं ऐसे बात, तो ऐसे लोगों की बातों में ना आए और समाज के लिए जो आ रहे हैं सरना स्थान में और सरना के बारे में बता रहे हैं, सरना का जो हमारा घेराव के लिए या सरना का जो साफ सफाई के लिए जो रियल में काम कर रहे हैं उनको सम्मान दीजिए। तो मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश।